तो जी मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। फाइनली डंकी का ट्रेलर आ गया और इसे देखकर कुछ लोग बस ये बोल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो मेरा उनको बस यही कहना है कि भाई आपको आदत हो गई है मार धाड़ वाले एक्शन ट्रेलर्स देखने की, आपको ये स्टोरी ओरिएंटेड एंड सब्सटेंस वाले ट्रेलर्स कहाँ समझ आएंगे। क्या बात, ये बात है। एंड कुछ लोगों को ट्रेलर के शुरू में एसआरके की आवाज सुनकर लगा होगा कि उनके हेडफोन शायद खराब हो गए, तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई वो बुड्ढे हरदयाल सिंह की आवाज थी। जय हिंद। नहीं, खड़े हुए होंगे कुछ लोगों के रोंगटे इस ट्रेलर को देखकर, क्योंकि ये राजकुमार हिरानी की फिल्म है बॉस। इसमें फील गुड वाली वाइब होती है, इसमें इमोशंस होते हैं, ड्रामा होता है, कॉमेडी होती है, एंड सरप्राइजिंगली इस बार तो एक्शन भी देखने को मिलेगा। भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी। और जिनको ये ट्रेलर काफी सिंपल और प्लेन लग रहा है, तो लेट मी टेल यू गाइस, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या डंकी शाहरुख खान की 1000 करोड़ की हैट्रिक करवा पाएगी, मुझे कमेंट करके बताएं। एंड कैसा लगा मुझे डंकी का ये ट्रेलर, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूँगा। शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी का ड्रीम कोलैब डंकी का ड्रॉप 4 ड्रॉप हो गया है। वैसे ये ड्रॉप्स में इतनी सारी चीजें क्यों टपका रहे हैं, ये हमारी तुम्हारी समझ से बाहर है, ये नए नए ट्रेंड्स हैं भाई। क्योंकि कभी प्री टीजर, तो कभी कोई प्रीव्यू, तो कभी कोई टाइगर का मैसेज, बस नए नए नाम खोज कर लेकर आ रहे हैं। लेकिन डंकी के अगर इस ट्रेलर की मैं बात करूं, तो मुझे ये ट्रेलर डिसेंट लगा, एंड प्योरली राजू हिरानी स्टाइल, कोई खास शोशाबाजी नहीं। अदर कास्ट को भी बराबर का स्क्रीन स्पेस दिया गया है। फिल्म में हरदयाल सिंह यानी कि एसआरके के 4 दोस्त हैं, बल्ली, बुग्गू, सुखी एंड मन्नू। चारों के बारे में ट्रेलर में बताया गया है और चारों को ही जाना है लंदन। एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा, ये नहीं रह रहा पंजाब में। और बमर हिरानी प्ले कर रहे हैं इंग्लिश टीचर गुलाटी का कैरेक्टर। तो कास्ट तो देखो, हिरानी साहब ने ना बड़ी चुन कर ली है, सभी प्रॉमिसिंग एक्टर्स हैं। I want to go to lavatory. अब अगर कुछ चीजें जिन पर और बेहतर काम हो सकता था उनकी बात करें, तो वो है एसआरके का लुक। उसको लेकर काफी लोग बस यही कह रहे हैं कि ये 0 के बउआ सिंह से काफी मिलता जुलता लग रहा है। एसआरके लाइक ऑलवेज फुल एनर्जी में दिख रहे हैं, चाहे वो डांस हो या इमोशंस को दिखाना हो। एंड विकी कौशल के सीन की भी काफी तारीफें सुनी है मैंने, तो सिंपल सा सीन है पर विकी स्टैंड आउट करते हैं। फिल्म के सॉन्ग्स तो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं, आपने सुन ही लिए होंगे, लेकिन यहाँ मुझे लगा कि लुटपुट गया को जो बीच में ऐड किया गया है, कुछ सेकंड्स कम किए जा सकते थे, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी वो सॉन्ग देख ही लिया है पहले से। बाकी डंकी से सभी को काफी ज्यादा उम्मीदें लग रही हैं और एक प्रेशर सा भी बनने लगा है, क्योंकि ये एसआरके की इस साल की 3री फिल्म है, एंड पहली दो ने ना नए रिकॉर्ड्स बनाए थे बॉक्स ऑफिस पर, एंड अब क्या ये फिल्म भी वैसा ही कमाल करेगी। यहाँ मिले 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। एंड मुझे यहाँ ना 2 चीजें लग रही है, पहली ये कि एक तो ये कोई एक्शन फिल्म नहीं है, स्टोरी ड्रिवन फिल्म है, दूसरा कि ये सालार के साथ क्लैश भी हो रही है, जबकि पठान और जवान दोनों ही सोलो रिलीज हुई थी और उनके आसपास कोई बड़ी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनको लेकर मुझे ये 1000 करोड़ वाली हैट्रिक पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अदरवाइज शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी, इस कॉम्बो का साथ में आना ही एक बड़ी बात है ऑन स्क्रीन, एंड हाई होप्स तो देखो है बॉस। अब देखो फिल्म आने पर पता चलेगा कि ये साथ में क्या कमाल करेंगे। सरहदों पे गोली खाने। वैसे राजू हिरानी साहब का ना ट्रैक रिकॉर्ड काफी शाइनी रहा है, तो उनसे उम्मीदें ना डबल हो गई हैं। वैसे ही फिल्म रिलीज हो रही है 22 दिसंबर को। वैसे आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, एंड डंकी या फिर सालार, किस में आपको लग रहा है ज्यादा दम, मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्हाट्सअप साक्षी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप देख रहे थे अनकट।